हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या आरक्षण डुबा सकता है TRE 3 की नैया। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि रजनीश कुमार जी का कौन सा ऐसा अपडेट आया है। तीसरा हम ये डिस्कस करने वाले हैं TRE 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है या ये लटक सकती है वैकेंसी। चौथा हम डिस्कस करेंगे TRE 4 में कितनी वैकेंसी आ सकती है। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे स्क्रीन पर एक अपडेट है, उसको पहले हम जानेंगे और पहले हम आपके साथ में एक तथ्य को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है हमारे TRE 2 का रिजल्ट। अगर हम आरक्षण विसंगति की बात कर लें साथी, तो उसका प्रूफ आपके सामने है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर TRE 2, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की, मेल या फीमेल स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है साथी, वो है आपकी BPSC सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर छात्रों को बेवकूफ़ बना चुके हैं और उन्हीं के कारण हो सकता है कि इस वैकेंसी में कुछ पेज फंस जाए। वो हम आगे देखेंगे कि टेक्निकल क्या इसमें फॉल्ट आने वाला है आगे चलकर। तो साथी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा TRE 2 का रिजल्ट है, ये आपकी कैटेगरी है यहाँ पर, और ये आपका मेल और ये आपका फीमेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो UR मेल है उसका 423 अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया गया, जबकि आपकी फीमेल की बात करें तो 952 अभ्यर्थी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेल या फीमेल किसी की कोई गलती नहीं है, ना ही आपकी फीमेल की गलती है, ना ही यहाँ पर आपकी मेल की गलती है। साथ ही इसके बाद में आप पहले एक ट्वीट देख लीजिएगा जो आपका रजनीश कुमार जी की तरफ से आया है। आपको पता है ये न्यूज 18 के संपादक हैं और जो ये जो भी न्यूज़ देते हैं वो आपकी सटीक बैठती है। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं TRE 3 का जो आपका बचे हुए विषय हैं उनका जो आंसर की है वो 15 अक्टूबर को आएगा, और जो 14 अक्टूबर है उस पर आपका जो फाइनल रोस्टर है वो बनकर तैयार हो जाएगा 14 को। साथ ही मैं आपको बता दूं 14 को जब रोस्टर बनकर तैयार हो जाएगा करने में और इतने दिन में लगेगा, तो लगभग ये आपका 25 के बाद ही आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो पाएगा। अब पेज यहाँ पर फंसता है। साथ ही हम आपको बता दें टेक्निकल क्या फॉल्ट आने वाला है यहाँ पर। जो आपका TRE 1 और TRE 2 में जो आपका आरक्षण विसंगति हुई है उसके कारण काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट जा चुके हैं। अब कोर्ट यहाँ पर, अगर कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसको आपके जो अवर सचिव हैं सरकार के, बिहार सरकार के, उन्होंने एक पत्र लिखा था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा था और उसमें ये पूछा था कि क्या आपने 2016 का आरक्षण पॉलिसी है उसका पालन नहीं किया है, इस पर जवाब दीजिए। तो जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से एक जवाब दिया था कि 2006 से ही हम जो 50% आरक्षण है, हॉरिजेंटल आरक्षण है, उसका पालन कर रहे हैं। तो साथी अब जो टेक्निकल इशू है वो क्या था, मेन टेक्निकल इशू ये था कि जो BPSC है उसने जब आपका रिजल्ट तैयार किया था TRE 1 और TRE 2 का, खास तौर से 1 to 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसने 50% आरक्षण प्लस 35 आरक्षण, इन दोनों पर ही क्या किया था, महिलाओं को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पेज ये फंसने वाला है, टेक्निकल इशू ये आ चुका है कि जब BPSC ने दोनों का ही पालन कर लिया है तो यहाँ पर जो आपके महिला अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लगभग 80 से 85% हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है साथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग डबल से ज़्यादा है वैकेंसी महिलाओं का। अब यहाँ पर सरकार की गलती है, अब जो सरकार है साथी उसने 50% आरक्षण को ही माना है, और जो आपका शिक्षा विभाग है उसने अपना उत्तर दिया था और उसने कहा था कि हम 50% आरक्षण पर ही जो रिजल्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो अब कुछ हद तक ये क्लियर हो चुका है कि जो आपका रिजर्वेशन है साथी, वो फीमेल को आपका 50% मिलने वाला है। अब इसका कंक्लूजन ये है साथी, इसका जो सबसे बड़ी गलती है आपकी शिक्षा विभाग की, TRE 3 का जो रिजल्ट है साथी वो 31 तक आने की पूरी संभावना है अगर इस टेक्निकल फॉल्ट को सरकार ने सॉर्ट आउट नहीं किया। अगर सरकार इस पर जवाब नहीं देती है सटीक वाला, तो हो सकता है कि ये भी वैकेंसी कुछ और डिले हो जाए। और जो PGT की आपकी बची हुई आंसर की है वो आपकी 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। अगर हम बात कर लें साथी जो आपका TRE 4 की जो छात्र वेट कर रहे हैं, तो साथ ही आपका नवंबर के अंतिम सप्ताह में कहा गया, लेकिन अगर टेक्निकल इशू आपका TRE 3 के रिजल्ट में आता है साथी, तो TRE 4 वाली वैकेंसी भी आपकी खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि जब तक TRE 3 सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आपकी TRE 4 की वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि TRE 3 के जो बचे हुए पद हैं उनकी गणना की जाएगी और वो TRE 4 में उसको ऐड करके तब निकाली जाएगी। आई होप साथी कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 तक आ जाएगा।
तो साथी अगर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।